साथियों, हमारे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो पहली बार वोट करने जाने वाले हैं, 18, 20, 21 साल के वो नौजवान भविष्य की ओर देखते हैं, लेकिन उन्हें पहले का इतिहास भी पता होना बहुत जरूरी है जी। जरा अपने माता पिता को पूछिए कैसी मुसीबत की जिंदगी काट करके निकले। आज कांग्रेस के लोग जो यहां आपसे झूठे वायदे कर रहे हैं, जब उनके पास काम करने का मौका था तो घोटालों में व्यस्त थे, भाई भतीजावाद में व्यस्त थे, अपने पराये में व्यस्त थे, समाज में भेदभाव कराने में व्यस्त थे। कांग्रेस के शासन में मध्य प्रदेश को हर क्षेत्र में पिछड़ा माना जाता था। एक समय था जब मध्य प्रदेश में गड्ढों को ही हाईवे माना जाता था, रास्ते में धचके लगना शुरू हो तो आप अपने आप समझ जाते थे कि मध्य प्रदेश का कोई हाईवे आया है। एक समय था जब एमपी में बिजली केवल झटके दिया करती थी, बिजली कभी रोशनी नहीं देती थी यहां। क्या लोग, क्या किसान, क्या उद्योग, अंधकार में जीना सबकी नियत बन गई थी, बन गई थी। एक समय था जब मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए हर खेत, हर किसान तरसता रहता था, सबकी किस्मत में केवल बरसात पर, बारिश अगर अच्छी हो गई तो गुजारा कर लेते थे, निर्भर रहना पड़ता था। तब एमपी के स्कूल भी खस्ता हाल थे और पढ़ाई भी बेपटरी थी, स्वास्थ्य सेवाएं इतनी चरमराई हुई थी कि मरीजों को अच्छे इलाज के लिए दिल्ली या मुंबई जाना पड़ता था। और इसलिए जो पहली बार वोट देने वाले हैं मेरे नौजवानों, इन सारी बातों को वेरीफाई कर लेना, वो बर्बादी फिर से मध्य प्रदेश में नहीं आने देनी है। मेरे नौजवानों, भाजपा ने बहुत मेहनत करके मध्य प्रदेश को संभाला, उसे विकास के रास्ते पर लेकर आई। भाजपा मध्य प्रदेश के लोगों के सुख दुख की साथी रही है। चुनाव के समय आपसे झूठे वायदे करने वाली कांग्रेस दरअसल एमपी के लोगों से नफरत करती है। इसलिए जैसे ही कांग्रेस को मौका मिला, कांग्रेस ने गरीब कल्याण की सारी योजनाओं को बंद करना शुरू कर दिया था। आपको याद होगा बीच में 15 महीना उनको जरा अवसर मिला था, मध्य प्रदेश की उनका टेस्टिंग कर रही थी कि सुधरे कि नहीं सुधरे, पर 15 महीने में पता चला ये तो और बिगड़ करके आए। आपको मालूम होगा गरीबों की योजनाएं जो भाजपा सरकार चलाती थी, कांग्रेस ने आते ही संबल योजना बंद कर दी, पंच परमेश्वर योजना बंद कर दी, दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना बंद कर दी, प्रतिभा प्रोत्साहन योजना बंद की दी, कांग्रेस ने यहां मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद कर दी। मुझे याद है जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तभी केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की थी, लेकिन उस समय बार बार कहने के बाद भी कांग्रेस सरकार ने लाभार्थी किसानों की पूरी लिस्ट केंद्र सरकार को नहीं दी। कांग्रेस सरकार को एक रुपये भी अपने जेब से नहीं खर्च करना था, पीएम किसान निधि का जो पैसा किसानों के बैंक खातों में जाना था वो 100% केंद्र सरकार भेज रही थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने तब यहां के किसानों से भी बहुत बड़ी दुश्मनी निकाली। यही कांग्रेस का असली चेहरा है। कांग्रेस किसानों की दुश्मन है, कांग्रेस नौजवानों की दुश्मन है, कांग्रेस महिलाओं की दुश्मन है,